नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात करेंगे श्रद्धा वालकर के केस की। श्रद्धा वालकर के लिए इंसाफ की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। यहां पर इस केस का मुख्य आरोपी आफताब अमीन पूनेवाला अभी भी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए, इसे लेकर लगातार हमारे जितने भी वीडियोज हैं उसके कॉमेंट बॉक्स में एक ही लफ्ज आता है और आप सभी जानते हैं कि आखिरकार इस तरह की बर्बरता से अपनी गर्लफ्रेंड की जान लेने वाले आरोपी को क्या सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल लगातार यही उठ रहा है कि क्या आफताब को वो सजा मिलेगी और आखिरकार वो सजा मिलेगी तो कब मिलेगी। कितना इंतजार यहां पर श्रद्धा के पिता को करना पड़ेगा। आपको बता दें कि हमारे देश में जो सबसे ज्यादा ऐतिहासिक फैसला आया था वो आया था साल 2012 में, जब निर्भया केस के जो मुजरिम थे जिन्होंने दिल्ली की बेटी निर्भया के साथ ऐसी बर्बरता दिखाई तो कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार होना पड़ा। उस केस में भी इंसाफ के लिए आखिरकार कितना वक्त यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ा था निर्भया के माता पिता को, करीब 7 साल का वक्त। और ऐसे में श्रद्धा वालकर का केस तो और ज़्यादा पेचीदा है। क्या श्रद्धा के पिता विकास वालकर को भी यहाँ पर इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, ये सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है। आपको बता दें कि करीब यहाँ पर 1 महीना हो चुका है इस केस की छानबीन को। बीते 9 दिसंबर को इस केस में आफताब की पेशी हुई थी और 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद अब उसकी 23 दिसंबर को कोर्ट में एक बार फिर से पेशी होनी है। सवाल यही है कि क्या आफताब को सजा मिलने में एक बार फिर से हमारे देश का कानून 7 साल का वक्त लगाएगा या फिर इस बार कुछ अलग देखने को मिलेगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इस खास खबर पर इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।